टॉपिक है प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। इमेजिन करो कि ये आपके पास पूरे कंटेनर में लिक्विड है, इस लिक्विड की हाइट h है, ये लिक्विड इस बेस पे फोर्स लगा रहा है। फोर्स कितना लगा रहा है? जितना उसका खुद का वेट है। तो इस बेस पे प्रेशर लग रहा है। कितना प्रेशर लग रहा है पहले ये बताओ कि पूरे लिक्विड का वेट कितना है? एम जी। एम क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम इस पूरे कंटेनर का कितना है? एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो ये क्या आ गया? वेट आ गया। प्रेशर कितना है? वेट बाय एरिया। वैसे इस चैप्टर में फोर्स को थ्रस्ट बोलते हैं, पानी की फोर्स को थ्रस्ट बोलते हैं, रस्सी की फोर्स को टेंशन बोलते हैं, पानी की या एयर की फोर्स को थ्रस्ट बोलते हैं। फोर्स बाय एरिया, फोर्स यानी कि वेट आ गया, एरिया ए है बेस का, एरिया से एरिया कैंसल, और आपके पास प्रेशर क्या आ गया? एच रो जी, जो आप यूज करते आए हैं एच रो जी। तो ये डेरिवेशन है एच रो जी कैसे हुआ। तो बेसिकली क्या है, पानी का जो वेट है वो बॉटम पे प्रेशर लगाता है, और सबसे बड़ी बात एरिया कैंसिल हो चुका है। तुम्हारा ये बेस छोटा है या बड़ा है, जितना मर्जी बड़ा जितना मर्जी छोटा है, एरिया से इंडिपेंडेंट है। हाइट अगर पानी की एच है तो प्रेशर यहां पर एच रो जी ही होगा, एरिया बड़े छोटे का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। इवन तुम अगर ये पूछोगे सर एक पॉइंट ले लो इसके ऊपर और पॉइंट पे प्रेशर बोलो कितना है, पॉइंट का प्रेशर भी एच रो जी। क्यों? क्योंकि एरिया से इंडिपेंडेंट है, मुझे एरिया चाहिए ही नहीं है इसमें। तो ये मैंने आपको क्लास में यूज भी करके दिखाया, अगर पानी का लिक्विड कॉलम की हाइट एच है तो प्रेशर कितना एग्जर्ट करेगा वो बॉटम पे एच रो जी। ये लिक्विड का प्रेशर है, ये हमने डिस्कस किया। और इसमें ये डिस्कस किया अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ये तो लंबी बात कर रहा है, मैं आपको एक लाइन में समझाता हूँ ये एक्चुअल में हुआ क्या। वो ये कहता है कि इमेजिन कर लो कि आपके पास एक लिक्विड है, लिक्विड के अंदर सिलेंडर नहीं है, ये तो बस शेप दी हुई है लिक्विड की। बस आप सिंपल वर्ड में ये सीख लो, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट की हाइट इस लिक्विड के ऊपर से कितनी है? एच वन है, एच वन है। इस पॉइंट की हाइट यहां से एच टू है, एच टू है। तो मैंने ये पूछा कि ए पॉइंट का जो प्रेशर है, ए पॉइंट का जो प्रेशर है वो लिक्विड की वजह से क्या होगा? तो आपने बोला एच वन रोजी, लिक्विड का प्रेशर एच वन रोजी है। वो पिछला फॉर्मूला मैंने लगा दिया क्योंकि लिक्विड का ऊपर का हिस्सा नीचे प्रेशर लगा रहा है। मैंने आपसे ये पूछा बी पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, तो आपने बोला एच टू रोजी, एच टू बड़ा है एच वन से, तो प्रेशर पी टू बड़ा है पी वन से। तो कितना बड़ा है? बी के प्रेशर में से ए के प्रेशर को अगर माइनस कर दें, एच टू माइनस एच वन इंटू रो इंटू जी, और एच टू माइनस एच वन क्वेश्चन में क्या गिवन है? एच रो जी। तो मतलब प्रेशर का डिफरेंस दो पॉइंट्स का पी बी माइनस पी ए को क्या लिख सकते हैं? सीधा एच रो जी। तो ये आपने देखा होगा, आज मैं उसमें बल्क मॉडल्स में यूज भी करता था, डेल्टा पी इज एच रो जी। तो बेसिकली वो क्या था? चेंज इन प्रेशर था, जो कि एच रो जी के इक्वल है। आप चाहो तो इस प्रूफ की जगह ये लिख लो, ज़्यादा बेटर है, एक मिनट में वैसे ही प्रूव हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो सीधा पी बी माइनस पी ए इज इक्वल टू एच रो जी, यहीं से आंसर आ जाएगा।